तालीम के मैदान से खबर शामिल करते हैं। फैसलाबाद निजी स्कूल्स की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए और इनके प्रिंसिपल्स को जदीद तर्ज तालीम से आशना करवाने के लिए आफाक एसोसिएशन की जानब से रॉयल पाम में खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया है। नुमाइंदा सिटी 41 इकरा मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। इकरा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तालीमी मैदान में निजी स्कूल्स को आगे लेके जाना क्या मकसद या आफाक एसोसिएशन का है, यही वजह है कि आज यहाँ पर फैसलाबाद के तमाम निजी स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए खूबसूरत वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, जिसमें स्कूल्स को मॉनिटर कैसा किया जाए उस हवाले से बात की गई है। मेरे साथ CEO आफाक जो है एसोसिएशन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शाहिद वारसी साहब, क्या कहेंगे आपकी इस आज की वर्कशॉप का मकसद क्या था, जिसमें हजारों की तादाद में स्कूल प्रिंसिपल्स को आपने मदद किया, आपने किस बारे में उनसे बात की? जी जी, ये प्रिंसिपल कन्वेंशन को लास्ट 10 to 12 ईयर से पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इनमें अवेयरनेस पैदा करना है एजुकेशन के हवाले से। हर साल एक नया टॉपिक होता है जिसमें कोई 24 सिटीज़ में 10,000 से ज़्यादा स्कूल शरीक होते हैं। आज का टॉपिक हमारा था वाई मॉनिटर, व्हाट मॉनिटर एंड हाउ मॉनिटर। तो बेसिकली इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की केस स्टडीज़ और इंटरनेशनल केस स्टडी से ये समझाया जाए कि स्कूल को मॉनिटरिंग के जरिए ही इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो वो मॉनिटरिंग के टूल क्या होंगे, वो मॉनिटरिंग कैसे होगी, ये आज का सेशन था। इन्हीं टॉपिक्स पर बुक्स भी अवेलेबल होगी, इन्हीं पे वीडियोस भी अवेलेबल होंगी। तो होपफुली इसके जरिए फैसलाबाद में क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से एक अवेयरनेस पैदा होगी। कहना है कि इस आज के वर्कशॉप के जरिए फैसलाबाद में क्वालिटी एजुकेशन को फरोग मिलेगा, यही मकसद था इनका आज यहाँ पर इस वर्कशॉप को अरेंज करने का। इनका कहना है कि किस तरह से स्कूल को मॉनिटर किया जाए, किस तरह से अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए, ये काविश आफाक एसोसिएशन की और इसी की एक कड़ी मिलती है आज यहाँ पर, जब इन्होंने एक खूबसूरत वर्कशॉप का इनका कराया और आने वाले तमाम स्कूल के निजी प्रिंसिपल्स को बताया गया कि अपने स्कूल की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए वो किस तरह से काम कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया इकरा मुनीर आपका।